देखिए, एक माँ को हम क्या बोल सकते, कि ऐसी माँ जो अपनी बेटी के भरोसे अपने पूरे परिवार को पाल रही है, एक ऐसी माँ जो खुद बीमार है, और एक माँ होती है इस अवस्था में, इस स्थिति में, इस समय में अपनी बेटी को खोना, 20 साल की बेटी इन हालातों में, देखिए इन पे तो दुख का पहाड़ टूटा है। कि न्याय होना चाहिए सबसे पहले, कि पुलिस की जो गलती है इसमें, कि पुलिस कहाँ थी 12 किलोमीटर तक एक जिंदा लड़की को घसीटा जा रहा है। हो सकता है कि अगर 1-2 मिनट पहले या कुछ समय पहले 1-2 किलोमीटर के अंदर या 3 किलोमीटर के अंदर कुछ मदद मिला हो, तो आज वो बेटी हमारे बीच में जिंदा होती। ये पुलिस की लापरवाही है, गुनेगार तो गुनेगार है ही। एक प्लास्टिक की पन्नी भी आपके या मेरे गाड़ी के पहिए के अंदर फंसती है तो हमें पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। जान, एक व्यक्ति, एक इंसान को जब आप घसीट के लेके जा रहे हो, तो मीन्स ये जो केस है इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए। मुझे पुलिस और पुलिस के उस पर विश्वास नहीं। जो लड़की साथ में थी निधि, उसके भी बयान, लड़की के कैरेक्टर को असासिनेट करने के लिए उसने जो किया है, वो जांच होनी चाहिए। उस लड़की को पकड़ के पूछना चाहिए, पुलिस हिरासत में लेके पूछा जाना चाहिए कि ये बयान वो किसके दबाव में दे रही है, क्योंकि जो आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं है कि लड़की ने अल्कोहल लिया है। और निधि, जो ये बयान की, निधि की बयान की लड़की ने अल्कोहल लिया है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि निधि किसी के प्रेशर में, या हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि क्या है केस। वी आर नॉट हियर टू बी जजेस, बट वी आर हियर टू इंश्योर कि जो लड़की है और उसके परिवार को न्याय मिले, और ऐसे केसेस दोबारा ना हो। इसके लिए दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, और अपनी जो अपनी नींद से जागे दिल्ली पुलिस।